अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया, ऐसे क्यों लेटे पड़े हो? आपको देख के तो मुझे भी बोरियत आ रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? देख के तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर का टेंशन ले रही हो। जल्दी से बताओ ना क्या हो गया है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, शिनशान एकदम सही बोल रहा है। आपको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आप बीमार हो गए हो। अब तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है जिसकी टेंशन लेनी पड़े। बोलो ना क्या हुआ है। अरे नहीं यार, मैं कुछ बीमार वगैरह नहीं हूँ। तुम लोगों को याद है लास्ट टाइम जब हमने बंकर खुदवाया था, हमें उसके अंदर से कितने पैसे मिले थे? अब वो पैसे ऐसे के ऐसे घर पे पड़े हैं जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है और रोज चोरी होने का डर लगता है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक और बंकर खुदवाया जाए। अरे क्या बात कर रही हो, पर एक और बंकर का हम लोग करेंगे क्या? देख शिनशान, समझ कभी वॉर चालू हो गई या फिर किसी ने हम पर अटैक करने की कोशिश की तो वो हमारे छुपने के काम आएगा और वो हमारे पैसे रखने की भी जगह बन सकती है। और इस बार कोई मामूली बंकर नहीं खुदवाएंगे, पहले से काफी अच्छा खुदवाएंगे। अरे पर कहां पर? अपने घर के पीछे वाले गार्डन में। मेरे साथ आ जाओ, मैं बताता हूँ। देखो यही वो जगह है जहाँ पर हम लोग खुदवाने वाले हैं। यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा और वैसे भी ये हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ हम खुद ही नहीं आते तो कोई और कैसे आएगा। अरे हाँ, ये बात तो आपने एकदम सही कही। आजकल दिमाग लगाने लगी हो। आजकल से मतलब क्या है, मैं पहले से दिमाग लगाता हूँ, पर हमें खोदने के लिए आदमी तो चाहिए होंगे। अरे तो एक काम करो ना, लास्ट टाइम जिसने खोदा था उसी को बुला लो, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। मुझे लगता है वो फिर से हमारा काम कर ही देंगे। हाँ यार, ये बात तूने एकदम सही बोली। जल्दी से माइकल को कॉल करता हूँ। हेलो माइकल, तुझे याद है लास्ट टाइम मुझे बंकर खुदवाना था, तब तूने मुझे एक जन का कांटेक्ट दिया था, उससे बात करना यार, मुझे एक और बंकर खुदवाना है। अरे क्या यार फ्रैंकलिन, तुम ही बात कर लो ना। अरे तू करना, तू जानता है, तू बोलेगा तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा ठीक है मेरे भाई, तू भी है ना काम देता ही रहता है। चल तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। शिनशान मैंने बोल दिया है, वो लोग कुछ ही देर में आ जाएंगे। ये देखो घंटी बजी घर की, जल्दी से बाहर जाते हैं। ओ भाई साहब, एक तो ये हमेशा अपनी पूरी सेना साथ में लेकर ही आता है। सेना तो छोड़ो, सारी मशीनें भी साथ में लेकर आता है। इसको डर है ही नहीं कि सामने वाला काम देगा भी या नहीं देगा। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी मशीन है। दादा मेरी बात सुनो, मुझे एक और बंकर खुदवाना है, पर वो पहले वाले से काफी अच्छा होना चाहिए और वो थोड़ा जल्दी मिल सके तो और भी अच्छा। शाम तक जैसे आप जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो टेंशन ही मत लो, तुम्हारा बंकर बहुत अच्छे से खोद देंगे। पर तुम सबको घर के बाहर रहना होगा क्योंकि हमें सामान रखने के लिए जितनी जगह चाहिए उसमें तुम्हारे घर की जगह भी कम पड़ जाएगी, तो तुम लोग बीच में कहाँ पर रहोगे? अरे पर यार, हम लोग घर पर नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ पर और करेंगे क्या पूरा दिन? वो सब तुम लोग जानो, अगर एक दिन में बंकर खोद कर चाहिए तो तुम्हें यहाँ से बाहर ही रहना होगा। अबे यार ये क्या मुसीबत है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग जाएंगे कहाँ पर। शिनशान अभी क्या करे, कहाँ पर जाए हम लोग, क्योंकि टोनी भी घर पर नहीं है। एक काम करते, गाड़ी लेके निकलते हैं। पर एक मिनट, मेरी गाड़ी कहाँ गई? वो तो यहीं पर खड़ी थी ना। अबे यार, मेरी गाड़ी को वहाँ क्यों टंगाया है? मेरी गाड़ी क्रेन पे क्या कर रही है? ये क्या मजाक है भाई साहब, मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर मेरे गाड़ी को कुछ हुआ ना तो मैं पैसे काटूंगा। अरे मेरी बात को समझो, मैंने तुमसे कहा ना, हम जो खुदाई करने वाले हैं वो सब रखेंगे कहाँ पर, हमें ये बाहर की जगह भी चाहिए होगी। तुम्हारी गाड़ी बीच में आती, उसे कुछ ना हो, इसलिए हमने क्रेन पर लटकाया है। अरे फ्रैंकलिन भैया, अभी हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, ना ही घर है, और टोनी भैया भी बाहर गए हुए है। ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन करने का कुछ है ही नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अबे हाँ यार, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्या करे क्या करे। ऐसे वॉक पे निकल जाए क्या? हे फ्रैंकलिन, एक मिनट, ये आवाज तो माइकल, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ भाई साहब, लेमार और ट्रेवर भी साथ में ही है, आज क्या सूझा तुम लोगों को जो यहाँ पर चले आए? देख मेरी बात सुन, तुझे पैसे कमाने का शौक है तो मेरे पास तेरे लिए काम है। काम भी नहीं है, तुझे बस साथ में चलना है। मुझे पता था कि आज तेरे पास करने का कुछ नहीं होगा। अरे पर पैसे तो मेरे पास पहले से बहुत ज्यादा पड़े, उनका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो या फिर मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, क्योंकि करने को भी कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जा। एक मिनट, इन भाई साहब को एक और बार बोल दूं। दादा सुनो यार, आज शाम तक कैसे भी तैयार कर देना, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। ठीक है। चलो यार शिनशान चौप, जाकर गाड़ी में बैठते हैं। अरे वैसे हम लोग जा कब पर रहे हैं? मुझे नहीं पता भाई, कम से कम इतना तो बता दे माइकल। देख मेरी बात सुन, हम लोग जा रहे हैं साइमन के डीलरशिप पर, उसके पास एक बहुत ही बढ़िया कार कलेक्शन आया है, तो जरा उस पर नजर मार कर आ जाए। ओ भाई साहब, कार कलेक्शन, चलो इसमें तो थोड़ा मजा भी आएगा, जाकर देख ही लेते हैं। अरे पर आप गाड़ी देख कर करोगे क्या? तो चौप, हम लोग वैसे भी क्या ही कर रहे हैं, है कुछ करने को तो बता दे, वो कर लेते हैं। अरे नहीं वैसे तो कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो बोलता हूँ हम लोग दो चार गाड़ी ले भी लेंगे, मजा आएगा। अरे शिनशान मैं पैसे नहीं लाया हूँ साथ में। ये लो हम लोग पहुँच गए। अबे माइकल क्या कर रहा है, डीलरशिप पीछे जा रही है। हाँ मुझे पता है, सॉरी मैंने तुमसे झूठ कहा था, हम यहाँ पर गाड़ियाँ देखने नहीं चुराने आए है। अबे यार ये क्या मजाक है, पहले बोलना था ना। पहले बोलता तो तुम आते ही नहीं। देखो गाइस, ये लोग हमको टेरेस पर ले आए और यहाँ से वहाँ की निगरानी रख रहे। पहले पता होता ना कि चोरी करने जा रहे ये लोग तो मैं इनके साथ आता ही नहीं। फालतू में रिस्क लेने आ गया जब कोई जरूरत भी नहीं है। अरे फ्रैंकलिन भैया,
आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए और इनको भी रोकना चाहिए। हाँ हाँ, ये बहुत ही गलत चीज है। साइमन ने हमारी कितनी मदद की है पहले। मेरी बात सुनो, मैं वहाँ पर जूम कर देख रहा हूँ कि यहाँ पर कितने बॉडी गार्ड है। 1, 2, 3, यहाँ पर 3 से 4 बॉडी गार्ड है। ट्रेवर मेरी बात सुनो, मैं उन सबको गोली मारता हूँ, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो और जो भी वहाँ का मालिक है उसे अपने निगरानी में ले लो। चलो तैयार रहना। ट्रेवर तो वहाँ पर पहुँच गया है, सबको फटाफट निपटाता हूँ। ये गया पहला, ये गया दूसरा और ये तीसरा। चलो अब चलते फटाफट उनके पास, मेरा काम हो गया है। वाह, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब जल्दी से जाते उनके पास। ये तो साइमन का भाई है। साइमन कहाँ पर है? छोड़ हमें क्या, सुन मेरी बात, आज से ये सारी गाड़ियाँ हमारी है। तुम्हारी कैसे हो जाएगी, एक गाड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम कितने झोल करते हो गाड़ियाँ चोरी करने के लिए। ये कोई तुमने सब खरीद के नहीं ली है। अब फ्रैंकलिन, ट्रेवर और लेमर मेरी बात सुनो, तुम लोगों को इसमें से जो जो गाड़ियाँ पसंद है वो तुम लोग लेकर जा सकते। क्या बात कर रहा है, अच्छा ठीक है। चलो गाइस, गाड़ियाँ तो ले ही सकते, साइमन तो है नहीं यहाँ पर, उसका भाई है और वो मैं जानता भी नहीं है, तो बता भी नहीं पाएगा कि हम ही लोग थे। जल्दी से आ जाओ यार, मुझे तो ये वाली पसंद आई है, लग भी अच्छी रही है। चलो गाइस, कोई लेना ना देना, हमें एक नई गाड़ी मिल गई। अरे हाँ, ये बोल तो आप एकदम सही रहे हो। शिनचान तुझे कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? अरे मजा क्यों नहीं आएगा, पर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने गलत काम कर दिया है। अब छोड़ना यार, किया तो किया, वैसे भी ये सारी गाड़ियाँ उसने खरीदी हुई नहीं है, अपने जैसे लोग ही उनको चोरी कर ला कर देते हैं। तो आप भी तो गलती हो, इतनी सच्चाई की मूर्त क्यों बन रहे हो? अरे यार, मैं तो फैक्ट बता रहा था, सच्चाई की मूर्त मैंने कब बोला ऐसा। अरे ये सब छोड़, अभी घर पर जाते हैं, पता नहीं हमारा बंकर कितना खुदा होगा। हाँ ये बात तो एकदम सही बोल रहा है तू। ओ भाई साहब, जरा यहाँ तो देखो गाइस, इन्होंने तो पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया है, सारा कचरा बाहर रख दिया। लगता है घर में जगह कम पड़ गई होगी, जाकर बात कर लेते हैं। यार काम कितना हुआ और ये ऐसे क्यों खड़ा है? क्या हुआ भाई साहब, ऐसे काम छोड़कर क्यों खड़े हो? और ये सब क्या है, रोड पर इतना कचरा डालोगे तो गाड़ियां जाएंगी कहाँ से, सब लोग मेरी कंप्लेंट कर देंगे और पुलिस को आने में फिर टाइम नहीं लगेगा। अरे हाँ, ये बात तो आप एकदम सही बोल रही हो, इन्होंने तो पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया है, यहाँ पर जाम लग जाएगा, जल्दी से ये सब हटाओ। अरे मैं कैसे हटाओ, मेरा एक आदमी बुलडोजर लेकर चला गया है, उसके बिना ये सब नहीं हट सकता। अरे तो उसको फोन करके बुलाओ ना, काम के बीच में कैसे लेकर जा सकता है? उसने मुझे कहा कि उसे कोई अर्जेंट काम है, वो जल्दी आ जाएगा, पर अभी तक आया ही नहीं और फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे लगता है तुम्हें ही वो लेने जाना होगा। अरे पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ पर है? देखो उस बुलडोजर में ट्रैकर लगा है, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, चल शिनचान और चॉप, अब जाकर वो बुलडोजर लेकर आना है। अभी तो जस्ट गाड़ी से उतरा था, वापस जाकर बैठना पड़ेगा। एक ही साथ बार बार इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है ना, तो मैं कंटाल जाता और थक भी जाता हूँ। अरे आप थकू क्या, आपको गंदा लगे, पर आपको जाना तो पड़ेगा ही। आपने देखा ना, सारा का सारा सामान उसने तो रोड पर ही फिकवा दिया है। अरे हम फ्रैंकलिन भैया, थोड़ी देर में वहाँ पर गाड़ियाँ जमा होनी शुरू हो जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ यार मुझे पता है, तभी तो मैं तुरंत के तुरंत निकल गया। देखो लोकेशन तो यही की थी। ओ भाई साहब, ये रहा बुलडोजर। गाइस यार, ये तो इसकी मदद से बैंक लूटने वाले, बैंक का दरवाजा तोड़ने के लिए बुलडोजर लाया है। नहीं नहीं, हम लोग उनको ऐसा करने नहीं दे सकते। शिनचान यार, ये तो झूठ बोलकर यहाँ पर आया है और इसके मालिक को पता ही नहीं कि ये बुलडोजर किस लिए लाया है यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करेंगे? देख मैं इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने पास एक गन रखता हूँ, वो यहाँ पर काम आएगी। देखो गाइस, गन तो मैंने ले लिया, अब जल्दी से चलते वहाँ पर और उनको रोकते हैं। फटाफट जाता हूँ भाग कर। हे तुम लोग, ऐसे बैंक नहीं लूट सकते, अभी कभी रुक जाओ। ओ भाई, अब ये लोग तो मुझ पर ही गोलियां चलाने लग गए। तेरी तो ये भी गया और ये भी गया, इन सबको जल्दी जल्दी निपटाना होगा। ये देखो सोते 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 सोते, अब बस शायद एक दो ही बाकी है। ये गया, फाइनली हमने खत्म कर दिया इन सबको। देखो गाइस, गाड़ी चोरी कर ली, इन सब पे गोलियां चला ली, जब इतना गलत काम कर लिया है तो बैंक में जाके क्यों ना थोड़ा और गलत काम कर ले। मैं खाली देखने जा रहा हूँ कि कितना पैसा है बैंक में, बाकी कुछ नहीं करूंगा। ओ भाई साहब, गाइस जरा नजर तो मारो, इतना सारा सोना। देखो मैंने कहा था कि मैं पैसे नहीं लूंगा, सोने की कोई बात नहीं हुई थी, मैं तो भर रहा हूँ इन सबको एक बैग के अंदर। अब फटाफट यहाँ से कल्टी मारते हैं, क्योंकि अलार्म तो बज गई होगी कब की, जब इन्होंने बैंक का दरवाजा तोड़ा था। नहीं नहीं, दरवाजा तो ठीक है, लगता है शटर तोड़ा है। चलो 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 फटाफट। अब यार मैं उस साइड का जा रहा हूँ, मुझे तो बुलडोजर लेकर जाना है। शिनचान चॉप, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम लोग भी गाड़ी छोड़कर, हमें जाने में देरी हो रही है। जल्दी से बैठते हैं इसके अंदर और निकलते यहाँ से। अरे तो फिर इस गाड़ी का क्या होगा, इसे ऐसे यहीं पर छोड़ दोगे? देख चॉप, अभी अपने पास टाइम नहीं है, पुलिस भी यहाँ पर आ सकती है। अरे तो किसने कहा था आपको, आप उन्हें रोकने गए थे और वही काम कर आ गई। अरे यार बस ऐसे ही। अरे क्या है ऐसे ही, मुझे तो उस गाड़ी के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी अभी तो हमारे हाथ में आई थी। यार तू चिंता क्यों कर रहा है, ऐसी तो बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं हम लोग, बहुत पैसा आ गया है। अरे इतना
इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ। अभी है तो है, क्या करूँ बता। एक तो ये बुलडोजर इतना स्लो चला है ना भाई, यहाँ पहुँचने में 3 घंटे लग गए। चलो गाइज अब जल्दी से उतरते हैं और जाते उसके पास और उसे ही बुलडोजर दे देते हैं। भाई ये देख मैं क्या लेकर आया हूँ, तेरा बुलडोजर। अभी सबको यहाँ से फटाफट हटवा इससे पहले के कोई कंप्लेन करे। तब तक मैं जाके बंकर देख लूँ अगर तैयार है तो। अरे हाँ हाँ तुम्हारा बंकर तैयार हो गया है, बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा आदमी लगे। पूरी के पूरी पेमेंट लूंगा, वो भी एक ही साथ, नो इंस्टॉलमेंट। शिनचैन चौप अपना बंकर बन गया है, हमें जाकर चेक करना चाहिए, मजा आएगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कैसा बंकर बनाया होगा इन लोगों ने। जाओ तुम लोग अभी जा सकते हो, थोड़ा बहुत जो काम बाकी था वो भी मैंने करवा दिया है। तुम्हारा टोटल हो गया है $10,00,000। क्या $10,00,000? हाँ पैसे तो तुम्हें देना पड़ेंगे, तुम जब मेरा काम देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि इतने पैसे कहाँ गए। अच्छा ठीक है भाई, पर मेरी गाड़ी तो नीचे उतरवा देना। जाकर गाइस चेक कर ही लेते हैं इन्होंने कैसा बंकर बनाया, हमें भी तो पता चले। आ जाओ शिनचैन चौप, जल्दी से जाकर देखते हैं। शॉर्टकट मार के ही जाते हैं। ये देखो ये रहा यहाँ से अंदर जाने का रास्ता। चलो आ जाओ जल्दी से घुसते हैं अंदर। और ये चले, ओ भाई साहब शिनचैन चौप जरा देखो तो सही, क्या मस्त बंकर बनाया है। यहाँ पर तो लाइट्स वगैरह सब है, हम अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते बहुत सारी, और बहुत सारा पैसा भी यहाँ पर छुपा सकते है। मानना पड़ेगा अब लग रहा है कि $10,00,000 बराबर ही है, इन्होंने एकदम परफेक्ट बनाया है। यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई काम चालू करवाना हो तो वो भी कर सकते हैं, ये हमारा गोडाउन भी बन सकता है। तुम दोनों को कैसा लगा? अरे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, मजा ही आ गया। अरे हाँ मुझे भी बहुत पसंद आया। तो गाइस अगर आपको भी पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरा दोस्त भी है और डूड फैमिली का सदस्य भी। यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइव स्ट्रीम देखने मिलेगी, जैसे कि BGMI, वैलोरेंट और भी बहुत सारे गेम्स। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।